रिकॉर्डिंग जाने के पहले यू गेट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली. अगर आपके पास गाना है, यू नो द सॉन्ग, देन यू प्रैक्टिस द सॉन्ग. आपके पास ट्रैक नहीं है लेकिन आपको मालूम है कौन सा गाना गा रहे हो, देन यू अंडरस्टैंड इफ इट नीड्स अ लॉट ऑफ लोअर की और हायर की. अगर गाना लो साइड में ज़्यादा है तो खरज का रियाज करके जाइए. अगर ये ऊपर की तरफ गाना है तो ऊपर का रियाज करके जाइए. अगर आपको मालूम ही नहीं है कौन सा गाना गा रहे हो, फिर भी आप अपना रियाज कंप्लीट कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स कंप्लीट कीजिए. व्हाट आई मीन इज़ व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द रिकॉर्डिंग, बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस द सॉन्ग. वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सॉन्ग, बी श्योर दैट यू आर वेल रेस्टेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनफ रेस्ट की हो, क्योंकि योर वोकल कॉर्ड्स आर लाइक मसल्स दैट इट नीड्स इनफ रेस्ट. अगर आप टायर्ड हो, आपका बॉडी टायर्ड है, आपका वोकल कॉर्ड भी टायर्ड होगा. हैविंग सेड दैट, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सोने के बाद आप स्ट्रेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करने गए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वार्म अप कर ले रिकॉर्डिंग के पहले. थोड़ा सा बॉडी वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका ब्लड फ्लो करेक्ट होना चाहिए, आपका बॉडी टेम्परेचर वार्म होना चाहिए. मेक श्योर दैट आप जब रिकॉर्ड करने जा रहे हो, यू आर वेरी कम्फर्टेबल विथ एवरीथिंग. योर ड्रेस शुड बी कम्फर्टेबल, इट शुड नॉट बॉदर यू. एनीथिंग इन योर बॉडी शुड नॉट बॉदर यू. द रूम वेर यू आर रिकॉर्डिंग, द टेम्परेचर शुड नॉट बॉदर यू. द हेडफोन बैलेंस वॉट यू टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड नॉट बॉदर यू. यू शुड प्रॉपरली टेक योर हेडफोन बैलेंस कि हर इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहा है, आपका वॉइस प्रॉपरली सुनाई दे रहा है. आपका वॉइस में अगर आप रिवर्ब प्रेफर करते हो, पुट इनफ रिवर्ब वॉट यू प्रेफर. और इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर वॉइस ड्राई, keep it dry, whatever you're comfortable with. Your headphone balance is extremely important. You have to be comfortable with what you're listening to. Once you're comfortable with everything, check the mic. Most of the studios आप जहाँ record करने जाओगे has a condenser mic. Condenser mic का response अलग अलग होता है. एक बार record करके सुन लेना so that you have an अंदाज कि कैसे throw आ रहा है and how much you have to throw your voice. Also mic का height, mic का angle, ये सब position properly देख लेना before you want to go for the final take. आजकल का computer में बहुत सारे plugins हैं जहाँ से आपका tune correct हो सकता है. जो कंप्यूटर नहीं दे सकता है इस एक्सप्रेशन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्सप्रेशन. कभी कभी ये बहुत फ़ायदा होता है कि कोई भी सैड गाना गा रहा है, यू इमेजिन अ सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर हेड एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर मच बेटर. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन इमेजिन अ लाइव ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू गेट अ लाइव फील. एक्सप्रेशन में बहुत ध्यान देना, एक्सप्रेशन में बहुत एफर्ट देना.